प्रोसेस नॉट एन इवेंट टूडे इज ट्वेंटीबर टू थाउजेंड ट्वेंटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स हैं माथोसिनोज मैनिफेस्टो दिस इज बायरपियन स्पेस एजेंसी कनक दास फिफ्टींथ सेंचुरी के पोएट सेंट और सोशल रिफॉर्मर थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है मनिका बत्रा जम्मू एंड कश्मीर में है सलीम अली नेशनल पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा सिटी भरूच सिचुएटेड है आज के सवाल हैं इंडियाज लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इज 2011 सेंसस। ईटानगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट विच टाउन इन इंडिया वॉज फॉर्मरली नोन एज केप कॉमोरन इंडियाज ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच प्लेस एट विच प्लेस द हेडकॉर्टर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेट एट वेर सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है फैलिसिटेट फैलिसिटेट करना मतलब अभिनंदन करना टू एक्सप्रेस एडमायर फॉर हिज और हर सक्सेस और गुड फॉर्चून कॉम्प्लीमेंट कॉन्ग्रेचुलेट अपलॉड कॉर्डोन कॉडोन करना मतलब जैसे सेना करती है फौज करती है घेराबंदी कर देती है प्रिवेंट एक्सेस टू और फ्रॉम एन एरिया और बिल्डिंग बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस और अदर गार्ड्स लैक्सिटी लैक्सिटी नहीं आनी चाहिए लैक्सिटी का मतलब होता है केयरलेसनेस लैक ऑफ स्ट्रिक्टस और केयर पॉइज है पॉइज मतलब बड़ा संतुलन बना हुआ है ग्रेसफुल है एलिगेंट है बियरिंग इन अ पर्सन बैलेंस्ड है प्रोफ्यूजन का मतलब होता है वो एबंडेंटली अवेलेबल है लार्ज क्वान्टिटी ऑफ समथिंग सो so, ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट मीनिंग इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं। रिव्यू प्लान है टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रेवल बिकॉज ये एक नया कोविड का वेरियंट थ्रेट आ रहा है लॉ मेकर डो नॉट अस इम्पैक्ट ऑफ लॉज अ ट्रीट इन ऑनर ऑफ अवर फार्मर्स ये जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच यहां हम ये भी मैप देखेंगे इंडिया में अभी एक्टिव कौन से हैं ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड टू अक्रॉस द टेबल लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडरशिप एंड ट्रेनिंग फौज़ में भी यह अपग्रेड चल रहा है इन जनरल वी विल ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन जजेस शुड मेंटेन डिस्क्रिप्शन इंडिया यूके एफ टी ए टॉक माओवेस्ट मूवमेंट्स ऑन इट्स लास्ट लेग राइजिंग सी सेक्शन पैंडेमिक रेडी बनना ज़रूरी है जापान प्राइम मिनिस्टर चाइनीज आर्मी ताइवान स्ट्रेट आज संडे है एडिटोरियल नहीं आते हैं दीज आर स्नैपशॉट्स कोवैक्सिन का डेटा है हॉर्सेज एंशियंट इंडिया में था या नहीं था ई का क्राइटेरिया में रीविजिट ज़रूरी है एम का क्या मैकेनिज्म है डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड क्या बातें हैं और इंडिया एंड यूएसए का टैरिफ इशू और ये है बनारस के घाट

बायो बबल की बात हुई फिर प्रिकॉशंस एट्सट्रा क्वारंटीन करना है लाइक like दैट फिर ग्रेजुअली नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ने लग गए अब एक नया थ्रेट आ रहा है वो है दिस नया वेरिएंट ऑफ कोविड नाइन्टीन तो इंटरनेशनल ट्रैवल को स्पेशली जो अफ्रीकन नेशन से हो रहा है उसको चेक करना ज़रूरी है तो इस बात पे कुछ एप्रीहेंशनस हैं लेट इस वेट एंड वॉच या आगे क्या डेवलपमेंट होता है बैकग्राउंड हमें पता है इंटरनेशनल ट्रैवल में फिर से रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं ये वेरिएंट है वेरिएंट का नाम क्या है बी डॉट वन डॉट फाइव टू नाइन ओमिक्रॉन ये साउथ अफ्रीका में मिला है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिकॉज वायरस लिविंग भी होता है और डेड भी होता है लिविंग होता है तो वो म्यूटेशन करता है उसके डिफरेंट वेरियंट्स पॉसिबल है तो ये वेरियंट ऑफ कंसर्न है बिकॉज पॉसिबली ये काफ़ी तेजी से फैल रहा है और ये डेडली भी हो सकता है सो दीज आर अभी इस स्टेज पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लेट लेटस वेट एंड वॉच तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि इंटरनेशनल ट्रेवल को फिर से रिव्यू कर सकते हैं एनहेंस करें सर्वेलेंस डब्ल्यू एच ओ ने कहा हम अभी क्या कर सकते हैं हम सर्वेलेंस को एनहेंस करें एक निगरानी बनाए रखें वायरस के स्प्रेड पे वैक्सीनेशन अभी तक जिसने नहीं लगाई है गो गेट योर वैक्सीनेशन सेकेंड डोज नहीं लिया है तो सेकेंड डोज इमिजिएटली आप लोग ये हमारी लेबोरेटोरीज हैं ग्रुप ऑफ लेबोरेटोरीज चेन है ये कंटिन्यूसली जीनोम सिक्वेंसिंग भी करती है और वायरस के वेरियंट्स पे एक नजर रखे हुई है दिस इज गुड और स्टेट्स का भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा तो राइट right नाउ हमारे स्कोप में अभी यही चीजें हैं करने का लेट अस वेट अभी ओमिक्रॉन पे अननेसेसरी हमें फियर फियर मॉन्गरिंग भी नहीं करना चाहिए लेट अस वेट एंड वॉच लॉ मेकर्स डू नॉट असेस इंपैक्ट ऑफ लॉज अपसी हमें पता है मॉन्टेस क्यूक्यू मॉन्टेस क्यू ने बोला सेपरेशन ऑफ पावर एक होगा लजिस्लेचर लजिसलेचर क्या करेगा कानून बनाएगा दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव क्या करेगा उस कानून का पालन करवाएगा और एक होती है जुडिशरी वो ये देखेगी कि, कि ये जो कानून बना है ये विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं सो दिस इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर अब लॉ मेकर्स का काम नहीं है कि वो असेस करे इम्पैक्ट ऑफ लॉज लॉ मेकरस डो नॉट असेस इम्पैक्ट ऑफ लॉज ये एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया है लॉ मेकरस को इम्पैक्ट ऑफ लॉज असेस करना चाहिए जैसे कोई कानून आया फार्मर्स का एक एक्ट आया अभी इस एक्ट को लाने से पहले आइडियल सीन में क्या होना था कि जो फार्मर्स हैं उनसे एक डायलाग होना था उनसे पूछना था चैलेंजेस क्या हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनसे डायलॉग होना था और वन टू थ्री के बजाय ये आना था पार्लियामेंट्री रूट के थ्रू सो वी आर नॉट अगेंस्ट रिफॉर्म्स वी आर नॉट अगेंस्ट लॉ मेकिंग कैपेसिटी ऑफ लेजिस्लेचर वॉट जुडिशरी यहाँ रमन्ना साहब ने पॉइंट किया वो ये किया कि जो लॉ का प्रोसीजर है प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए एंड ये भी देखना चाहिए कि वो जो लॉ है और स्पेशली वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग ह्यूज रिफॉर्म है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस इम्पैक्ट की स्टडी को असेस करना जरूरी होता है लेजिस्लेचर डज नॉट कंडक्ट स्टडीज और असेस द इम्पैक्ट ऑफ द लॉज दैट इट पास लॉ तो पास कर दिया बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा और इससे फिर क्या होता है कन्फ्रंटेशन और फ्रिक्शन आता है तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस इनडिस्क्रीट रिमार्क्स इवन इफ मेड विद गुड इंटेंशन गिव स्पेस फॉर डुबियस इंटरप्रटेशन टू रन डाउन द जुडिशरी तो ये प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा आगे एक और आर्टिकल हम देखते हैं प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि जुडिशरी भी कैसे कंडक्ट करे जुडिशरी इन द सेंस जो पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक स्पेस पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं या फिर एग्जीक्यूटिवस भी हैं उनके शब्दों का वैल्यू होता है तो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो रिमार्क्स दे रहे हो अगर आपने गुड इंटेंशन के साथ भी दिया है बट उसका पॉसिबल है मिस इंटरप्रटेशन होना तो वो रॉन्ग डूइंग क्रिएट करेगा द पॉइंट इज वी नीड टू एंश्योर कि ये जो डुबियस इंटरप्रटेशन हो जाता है इसको भी हम सेफ गार्ड करें सो देट इज वाई ये जो लॉ होता है ना लॉज जैसे जो लॉयर्स भी हैं दे विल अग्री टू दिस कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है तो देट इज़ वाई जो चॉइस ऑफ वर्ड है ना वो बड़ा करेक्ट होना चाहिए अदरवाइज उसका क्या होता है मिस इंटरप्रटेशन ज़्यादा होता हैपन टू जैसे अभी पॉक्सो में भी हमने देखा था अगर वर्डिंग्स क्लियर नहीं है तो लैक्सिटी आ जाती है मिस इंटरप्रटेशन पॉसिबल है तो वर्डिंग्स भी यहाँ पे केयरफुली चूज करना जरूरी होता है लॉ मेकर्स डू नॉट असेस इम्पैक्ट ऑफ लॉज ये नहीं होना चाहिए दे शुड ऑल्सो असेस द इम्पैक्ट ऑफ लॉज सो दिस इज दिस न्यूज सो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू आग से बचाए सेंचुरी प्लाई सो दिस इज़ स्टूडेंट्स टू पिच बिजनेस आइडियाज़ ऑन टी वी अब जो नया कल्चर बन रहा है वो बन रहा है ऑन्ट्रप्रनोरशिप का स्टूडेंट्स को यंग जनरेशन को इनक्रेज किया जा रहा है दिस इज़ गुड बट अगेन पॉइंट ये है जो डिबेट ये है ये ओवर द टॉप नहीं बनना चाहिए जैसे एक दौर आया था ना हर किसी को बस इंजीनियर बनना है हर किसी को साइंस लेना है हर किसी को ऑन्ट्रप्रोनोर बनना है तो ये कल्चर गलत है जिसका जिसमें टैलेंट है जिसका जिसमें इंट्रेस्ट है वी शुड डू दिस ये जो भीड़ चाल होती है ना ये नहीं होना चाहिए सेकेंड कई बार हम रॉन्ग पिक्चर्स भी प्रोजेक्ट करते हैं दस बारह पंद्रह साल के बच्चे हैं उनको ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि ऑन्टरप्रोनोरशिप बन जाओगे ये फलाना प्रोग्राम कर लोगे कोडिंग कर लोगे कोर्स कर लोगे डेढ़ करोड़ का जॉब लग जाएगा एक करोड़ का जॉब लग जाएगा ऐसा होता नहीं है रियालिटी में सो द पॉइंट इज वी नीड टू कीप इट टू रियल इसको रियल करना है ताकि जो ऑन्टप्रोनोरशिप है ऑन्टप्रोनोरशिप मतलब सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं जैसे हैकाथन होता है तो इसका जो पॉजिटिव मैसेजिंग है पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो लॉस्ट नहीं हो जाए बिकॉज ऑफ दिस रैट रेस या फिर मिसप्लेस्ड कंसेप्शन्स जो यंग माइंड हैं उसको प्रॉपरली गार्ड करना और प्रॉपरली करेक्ट डायरेक्शन दिखाना जरूरी है एंड देर आर नो शॉर्टकट्स अगेन देर आर नो शॉर्टकट्स इवन इन ऑन्ट्रोप्रोनोरशिप सो स्टूडेंट्स टू पिच बिजनेस आइडियाज ऑन d addiction डी where 3 out थ्री आउट ऑफ ट्वेंटी गुड chronicler ऑफ द golden पीरियड ऑफ इंडियन थिएटर आप हैं कविता नागपाल जी आपको याद किया जाएगा फॉर योर इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस एंड परसेप्टिव रिव्यूज ये जो थिएटर होता है ना यहाँ बड़े अच्छे एक्टिंग जो असली एक्टिंग होती है जो काफी रियल एंड दिस माना जाता है कमर्शियल नहीं जो दूसरी एक्टिंग होती है जैसे एन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है लाइक like दैट तो उसमें ये जो थिएटर आर्टिस्ट है ना इसमें आपका बहुत बड़ा नाम था इलेक्ट्रीफाइंग ट्रीट इन ऑनर ऑफ अवर फार्मर्स लुक एट दिस ब्यूटिफुल थाली येलो मस्टर्ड फील्ड है प्लेटर ऑफ फ्रेश साग एंड मक्के द रोटी देन लिविंग इन द शेडो ऑफ फीयर एंड दिस इज जैतापुर सी जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और वो भी विद दी हेल्प ऑफ फ्रांस अब फ्रांस की सिचुएशन हमें पता है अभी जो करंट जियो चल रही है ऑकस का भी डील हो गया तो फ्रांस फेल्ट की उसको साइडलाइन किया गया बाय यूएसए एंड यूके तो फ्रांस भी अभी अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि इंडिया और फ्रांस का न्यूक्लियर स्पेस में काफ़ी कोलाबोरेशन होने वाला है आने वाले टाइम पे अब अगर आप इनके स्टेटमेंट्स भी देखो ना जो लीडर्स हैं वो भी सेम इसी चीज़ पे बता रहे हैं इंडो फ्रेंच रिलेशन का ट्रू पोटेंशियल अचीव करने की बात कर रहे हैं बिकॉज़ फ्रांस जो एक ऐसा कंट्री है फ्रांस की भी जो कॉलोनियल ये भी एक कॉलोनियल पावर ही था ओवरसीज जो इसके सिटीज़ हैं ओवरसीज प्लेसेज हैं स्ट्रैटेजिक बेस्ड है बेस है, है, है ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं फ्रांस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है जैसे आप टाइम जोन्स भी देखते हो ना तो एक बार आप फ्रांस का टाइम जोन देखना फ्रांस में कितने ज़्यादा दिस टाइम जोन्स एक्टिव हैं यू विल बी सरप्राइज सो फ्रांस इज अगेन ह्यूज पावर और फ्रांस इंडियन ओशन में भी अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है तो उसके लिए इंडिया ऑब्वियसली प्रेफर्ड पार्टनर है न्यूक्लियर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड दिस कॉमर्स एंड कॉरपोरेट रिलेशंस में भी तो सी पेंडेमिकज नॉट स्लोड डाउन फ्रेंच इन्वेस्टमेंट एंड कंपनीज इन इंडिया केप जेमनी फ्रेंच हैज़ हायर्ड मोर देन 30,000 थाउजेंड इंडियंस अब यहाँ जो पर्टिकुलर बात है वो है जैतापुर का वेर इज जैतापुर जैतापुर इज इन महाराष्ट्र तो जैतापुर में नया एक स्केल का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात है दिस इज द आर्ग्यूमेंट बाकी रेगुलर टॉक्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीनर एनर्जी माना जाता है अप टू एन एक्सटेंट और एनर्जी क्राइसिस ये काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर सकता है हम बैट कर रहे हैं दिस न्यूक्लियर फ्यूल पे न्यूक्लियर एनर्जी पे अब इंडिया में ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर है क्विकली इनके नाम देखते हैं ये है नरोरा वेर इज नरोरा यूपी ये है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावत भाटा ये है काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन वेर इट इज़ इट इज़ इन गुजरात फिर ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र ये कायगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका तमिलनाडु में है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक है ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ये जो स्टेशन है ना ये ऑपरेशनल है वैसे तो प्रपोज्ड और भी बहुत ज़्यादा हैं बट जो ऑपरेशनल है आज की डेट में वो ये सारे ऑपरेशनल है एज ऑफ 2020 इनके नाम याद रखने हैं किस स्टेट से है और किस फॉरेन कंट्री की हेल्प से ये प्लान हमने बनाए जैसे कुंदनकुल्लम रशिया की हेल्प से लाइक like दैट बेसिक बेसिक चीज़ें हमें याद रखना है फिजन क्या होता है और फ्यूज़न क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस भी हमें क्विकली पता होना चाहिए ओके सो दिस इज जैतापुर पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट वैसे ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर प्लांट इसका क्रिटिसिज्म भी होता है बिकॉज जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था जापान में हमने देखा वर्ल्ड ना बिकॉज एक्चुअली क्या है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर चैरनोबिल भी देखा हमने एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये बड़ा कॉस्टली प्रूफ होता है तो वर्ल्ड भी ये सोच रहा है कि इसमें ना ऑल दो बेनिफिट्स हैं बट कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है तो यूरोप में भी अभी एक ऐसी बात चल रही थी कि ग्रेजुअली हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी नेक्स्ट किसी की तरफ मूव करने की जरूरत है तो लेट अस सी फिलहाल तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इंडिया बैट कर रहा है फ्रॉम द फील्ड टू अक्रॉस द टेबल फ्रॉम द फील्ड टू अक्रॉस द टेबल बिफोर दैट महाराष्ट्र बेलिंगल करिकुलम स्कूल में लाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है कि जो प्राइमरी क्लास है वहाँ पे जो मदर टंग है बच्चे की उसी में पढ़ाया जाए तो लर्निंग आउटकम बेटर आएंगे डोंट रेज पैडी तेलंगाना टेल्स फार्मर बिकॉज पैडी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं डाइवर्सिफिकेशन की भी बात है राइज इन कोविड नाइन्टीन केसेज ओडिशा के स्कूल एंड कॉलेजेस में सी कोविड का स्प्रेड हो रहा है बी वेरी वेरी केयरफुल केरला प्लान्स डायरेक्ट परचेज ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम तमिलनाडु बिकॉज शॉर्टेज हो रहा है वहाँ पे एंड स्काई रॉकेट हो रही है प्राइसेस दिस होल्ड इन ट्वेंटी कंट्रीज इन फाइनेंशियल क्राइम क्रैकडाउन हरियाणा जॉब कोटा डिफिकल्ट होगा इंप्लीमेंट करना ये टॉपिक हमारे बड़े काम का है एस्पेशली हमारे जब भी हम फौज की बात करते हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ नज़र आती है कि मसल पावर होना चाहिए मसल पावर इज गुड बट साथ ही साथ ब्रेन का पावर भी होना चाहिए एस एस बी में आप जाते हो तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है इट इज़ नॉट अबाउट ब्रॉन इट इज़ ऑल्सो अबाउट ब्रेन की ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है तो ये जो क्वालिटीज़ है ना ये भी ग्रेजुअली हमको ग्रूम करनी चाहिए ये सिखाई जा सकती है आर्मी इज लुकिंग टू इंट्रोड्यूस कोर्सेज इन नैगोशिएशन टैक्टिक्स फॉर इट्स ऑफिसर ऑफिसर को बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक होना है अलर्ट रहना है ये नहीं कि जो चाइनीज जो नेगोशिएशन पे आते हैं जैसे अभी पंद्रह राउंड ऑफ टॉक हो गया बट सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है उसका रीज़न ये है कि जो चाइनीज जो अभी वेल ट्रेनड अभी आ रहे हैं उनके ऑफिसर्स एंड ऑल वो ना डिले करते हैं बाय टाइम बाय टाइम नगोशिएटिंग टैक्टिक्स है उसकी तो मिलिट्री लेवल पे भी यूजुअली ये ऐसा माना जाता था नेगोशिएशन एंड ऑल जैसे लॉयर्स वगैरह का काम है बट ये चीज़ अब ऑफिसर्स में भी डिज़ायर्ड है क्योंकि इसका सीन यहाँ पे ये ऐसे केस सिनेरियो बन रहे हैं कि बाइलेट्रल मिलिट्री लेवल नेगोशिएशन में हमको बेटर करना चाहिए हम प्रेजेंटली करेक्टली अपने पॉइंट्स रख पाएँ और कंसेंसस भी डेवलप कर पाएँ तो दिस इज ऑल्सो वन ट्रेड तो चाइनीज़ ये काम कर रहे हैं दे ट्राई टू ड्रैग वी आर आउट द अदर साइड ड्यूरिंग टॉक्स तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है तो हमें हमारे ऑफिसर्स को भी यहाँ पे वेल well ट्रेंड रखना ज़रूरी है बिकॉज़ कई बार आप देखो जैसे कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया में पॉपुलर होते हैं कि आमने सामने की फ़ौज आ गया यहाँ का ऑफिसर है उधर का ऑफिसर है हीटेड एक्सचेंज हो रहा है आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो इन सब चीज़ों को भी हैंडल करना आना चाहिए तो ये सब चीज़ें भी अब बकायदा ऑफिसर्स एंड ऑल को सिखाया जाएगा वैसे भी जैसे एक मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था आप भी इस वीडियो को देखना फील्ड मार्शल मानिक शॉ का एक स्पीच है उसमें उन्होंने बताया ऑफिसर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे यस मैन इज नॉट ऑलवेज अ गुड मैन जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना भी आना चाहिए ये नहीं कि आप बॉस का यस में यस करो इससे तो कैटस्ट्रॉफी हो जाएगा सो द पॉइंट इज एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी ज़रूरी होती है और ओएल क्यू जो है इनको ग्रेजुअली हम ग्रूम कर सकते हैं तो देयर इज नाउ ग्रेटर एफर्ट टू सेंसिटाइज द रैंक एंड फाइल ऑन द ग्राउंड ऑन नेगोशिएशन टैक्टिक्स नेगोशिएट कैसे करना है चाइनीज गेम में इनको इन्हीं के गेम में हम कैसे डिफीट कर सकते हैं दिस नेगोशिएशन टैक्टिक्स में सो दिस वी नीड टू लर्न अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल भी अगर हम देखें तो गुड लीडरशिप जो होती है ना फौज ही नहीं इवन ब्यूरोक्रेसी ही नहीं हर स्फीयर ऑफ लाइफ में लीडरशिप आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी चाहे वो आप फैमिली की लीडरशिप कर रहे हो ग्रुप फ्रेंड्स में कहीं कर रहे हो ऐसे आते हैं सो so, लीडरशिप में आपके अकॉर्डिंग व्हाट मेक्स अ गुड लीडरशिप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट मेक्स अ गुड लीडरशिप डिस्कस द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल फॉर लीडरशिप इन द प्रेजेंट टाइम आज का समय बदल रहा है तो चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग लीडरशिप में भी क्या चेंजेस होने चाहिए हम वैल्यूज़ पढ़ते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ होना चाहिए करेज होना चाहिए फोर्टिट्यूड होना चाहिए एम्पैथी होना चाहिए इनिशिएटिव होना चाहिए इनिशिएटिव लेने का दिस हिम्मत होनी चाहिए है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी भी होना चाहिए एट सम टाइम्स सो दीज आर लीडरशिप क्वालिटीज़ सो वॉट मेक्स अ गुड लीडरशिप हमेशा पॉपुलर डिसीजन ऐसा भी नहीं है कि डीलर लीडरशिप हमेशा पॉपुलर डिसीजन के अंदर आ जाए और फिर वही अग्री कर दे नो वेन देर इज़ समथिंग राइट तो लीडरशिप को फर्मली स्टैंड भी करना चाहिए जो राइट right है वो राइट right है सो व्हाट मेक्स अ गुड लीडरशिप आपके हिसाब से क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम्स में तो पहले तो कुछ क्वालिटीज़ बताओ जी एस फोर से रिलेटेड फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रेजेंट टाइम से भी इसको लिंक करो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो थिंकर्स को कोट कर सकते हो कुछ अपनी फाइंडिंग्स भी बता सकते हो तो और ये भी बता सकते हो कि ये टीचेबल है लीडरशिप इज टीचेबल हम प्रिपेयर कर सकते हैं तो थिंक इन दिस डायरेक्शन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन यू ऑल आर राइटिंग वेरी गुड आंसर अपसी एक वर्ड होता है मोटिवेशन मोटिवेशन इज़ गुड बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो कंट्री की बात करो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की बात करो तो मोटिवेशन होना चाहिए देर इज नो डाउट बट मोटिवेशन से भी इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन दैट इज़ वाई फौज में इतना एम्फेसाइज किया जाता है डिसिप्लिन पे. ये काम होना है तो होना है इस लेवल का डिसिप्लिन हमें रिक्वायर्ड है बिकॉज मोटिवेशन इज़ नॉट एवरीडे डिसिप्लिन इज एवरीडे तो आंसर राइटिंग में भी हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे ऑल राइट सो कल भी आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे सो so, पहला था डिसीज बर्डन शीतल ने ये आंसर लिखा है बड़ा अच्छा आंसर लिखा है फर्स्ट ही इन्होंने पैराग्राफ में बता दिया कि वॉट इज डिसीज बर्डन और इसमें ये ऐसे दिस कीवर्ड्स भी यूज किए लाइक क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है ना तो एक प्लेटफॉर्म बता दिया कि टेक्निकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसीज़ बर्डन फिर इससे रिलेटेड एक स्टडी बताया मॉर्बिडिटी मोर्टैलिटी इससे इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होता है तो दिस इज़ गुड ऑलराइट दिस इज डिसीज़ बर्डन अब जो सेकेंड था वो था हमें मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज़ तो मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज़ के बारे में आपने बताया ये वैक्टर्स होते हैं कैरी करते हैं और ये डिफरेंट यहाँ पे डिसीजेज है अब जैसे ये डिसीज़ के नाम है ना तो हम एक कुछ फ्लो चार्ट भी बना सकते थे इनका स्प्रेड अलग अलग जगह हुआ है वर्ल्ड लेवल पे लाइक दैट थिंक द आइडिया इज कंटेंट इज़ गुड बट अगर कंटेंट हम जैसे मार्केटिंग में भी देखते हैं ना प्रॉपरली उसको रैप करके दिया है अच्छे से दिया है तो वो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है तो हमें प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना चाहिए इग्नोर नहीं करना है तो दिस इज़ गुड ये अच्छे से यहाँ पे बताया जीका क्या है रिफ्ट वैली क्या है ओके okay. देन आपने प्रिवेंशन बताया कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ़ मॉस्किटो और फिर मनी प्लांट वगैरह लगाएं वीकली क्लीन करें गुड अब इसमें आप करंट अफेयर्स भी लिख सकते थे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं और इस प्रश्न में जब ये दोनों चीज़ें साथ में लिखी है ना तो कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग भी करना था मॉस्किटो डिसीजेज से भी क्या डिसीज बर्डन होता है ऐसा कुछ एक लेयर हम ऐड कर सकते थे ओके सो दिस इज़ रियली गुड वेरी गुड आंसर वेल डन एंड कीप इट अप दूसरी बात आप यहाँ जो ज्वाइन है ना इसमें एक बार सब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस भी कर दो क्योंकि यू नो दैट कि जो फीडबैक होता है ना वैसे ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फीडबैक देते वक्त व्हाट आई ट्राई कि आपकी ओरिजिनलिटी भी मेंटेन रहे एंड जो थोड़ा ट्वीक्स हैं वो मिनिमम हम ट्वीक्स करें सो दैट यू डोंट लूज योर ओरिजिनलिटी सो जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अब जैसे कोई 2023 का स्टूडेंट है 22 का है तो उसका फीडबैक अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा अगर कोई इसी साल एग्जाम लिख रहा है नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिख रहा है तो आई हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट सो दैट इज वाई जस्ट इंट्रोड्यूस की किस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस साल का आप टारगेट कर रहे हो कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो बिकॉज सम एस एस बी स्टूडेंट आर ऑल्सो राइटिंग दीज आंसर्स ओके सो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू गिव फीडबैक ऑल राइट अब विम्बल ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया वंडरफुल आई एम सो हैप्पी एन एफ एच एस फाइव रिपोर्ट के बारे में बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा बताया कहाँ से इशू होती है क्या बातें हैं इसमें वेरी गुड बेसिक्स है पुरानी सारी रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गुड अब ये हमने तैयार किया ना खुद से तो ये आप देखना आपको बहुत टाइम तक याद रहेंगी सारी चीज़ें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की फाइंडिंग्स क्या है पॉपुलेशन स्टेबलाइज है बर्थ के टाइम पे क्या है एनीमिया ये ऐसे हेडर्स यूज़ करने हैं हेडिंग सब हेडिंग इम्यूनाइजेशन फिर इंस्टीट्यूशनल स्टंटिंग वेस्टिंग अंडर और इसको डेटा भी बताया इन कीवर्ड्स को हम एक्सप्लेन भी कर सकते थे देन बैंक अकाउंट इकोनॉमिक न्यूट्रिशियस और इम्प्लीकेशन वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर वेरी नाइस वेल डन देन दूसरा डिसीज बर्डन के बारे में बताया तो सी इंट्रोडक्शन में डिसीज बर्डन बता दिया प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया कि आई नो दिस टॉपिक देन मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस पे आप आए एक आपने ऐसे एक्सप्लेन भी किया मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जीका और एंसेफिला और दिस इज एलिफेंटियासिस, दिस दिस इज इज जापानीज और प्रिवेंशन कैसे करना है गुड फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गुड ये सारे आपने आठ दस पॉइंट्स बताए देन नेशनल हेल्थ मिशन अंडर दिस अब आप दो लाइन और लिख सकते थे कॉन्क्लूडिंग दो लाइन तो इससे क्या होता है एक कंप्लीशन होता है एक सेंस ऑफ लाइक कंप्लीट आंसर है ऐसा लगता है एब्रप्ट एंडिंग नहीं होती ओके सो दिस इज रियली गुड वेल डन इसी तरीके से आप रोज आंसर लिखो आपको डेफिनेट इंप्रूवमेंट नजर आएगा और बहुत डिफरेंट ओवरऑल स्टडी में इंप्रूवमेंट नजर आएगा ओके okay. अब ऐश्वर्या अगेन वेरी गुड आंसर एन के बारे में बताया ये कैसे कंडक्ट होता है कहाँ कंडक्ट होता है फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए गोल्स क्या होते हैं ये गोल्स होते हैं एन एफ एच एस फाइव पहले कहाँ पे हुआ था चार राउंड जैसे हो चुके थे पीरियड की इंडिकेटर्स अपसी लुक एट द थॉट प्रोसेस एक बहुत जरूरी चीज़ होती है आंसर राइटिंग में कि हम सेग्रीगेट कर पाए ऑर्गेनाइज वे में सोचे हैप हैज नहीं लगना चाहिए एक फ्लो नजर आना चाहिए विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर लाइक पॉजिटिव क्या है रिपोर्ट ऑफ एन एफ एच एस फाइव में तो ये सारे आपके पॉजिटिवस हैं नेगेटिव क्या है रिपोर्ट में तो ये सारे नेगेटिव है एनीमिया न्यूट्रिशन मैटर वही है बट जिस तरीके से उसको सेग्रीगेट करके सिंप्लीफाई करके समझाया वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इम्प्लीकेशन ऑफ एन एफ एच एस फाइव पॉजिटिव नेगेटिव तो दिस इज अ वेरी गुड कॉपी वेरी गुड अप्रोच वेल डन देन इंद्रानी का आंसर भी आप देखो डिसीज बताया डिसीज का बर्डन बताया और यहाँ पे उससे टेक्निकल डेटा बता दिया क्यू ए एल वाई डी ए एल वाई दोनों टर्म को भी एक्सप्लेन किया आप इस तरीके से फॉर्मुलेज बना सकते हो दिस इज अ गुड अप्रोच फॉर्मूले लाइक डी एल वाई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस गुड मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस के बारे में बताया फिर डेंगू यलो चिकनगुनिया मलेरिया गुड दैन प्रिवेंशन वैक्टर कंट्रोल इज एसेंशल एंड देर इज अ कंक्लूजन वेरी होल जम आंसर वेल डन शुभम अगेन बड़ा अच्छा आंसर लिख रहा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था प्रोसेस सी एन एफ एच एस से रिलेटेड डेटा आया फिर इसके बारे में आपने डिफरेंट एजेंसीज को भी मैंशन किया हाईलाइट किया रिपोर्ट टी वगैरह जो रेगुलर पॉइंट हैं सब बताए फिर इम्प्लीकेशन पे आए तो सी हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है और यहीं स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और पूरा पन्ना उसी सेक्शन में भर देंगे नो यू हैव टू राइट एवरीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करना है इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन रिलेटेड बातें बताई और फिर एक कंक्लूजन किया वेल well डन सेकेंड जो था डिसीज़ बर्डन वहाँ पे डिसीज़ बर्डन में भी आपने दिस डेफिनेशन बताया और फिर इसके इम्प्लीकेशन अपसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये सब क्या है फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जब भी डिसीज से रिलेटेड कोई मैटर हो ये कीवर्ड्स आने ही आने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओके जैसे फूड न्यूट्रिशन में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो फ्लैगशिप है ना उसका मेंशन होना चाहिए फिर ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ आई फिर इसका एक ग्राफ भी बना दिया और नोडल एजेंसी क्या है अब हम इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते थे कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस से क्या डिसीज बर्डन हो रहा है अफ्रीका का एग्जाम्पल देखो जनरेशन एंड जनरेशन उनका मॉस्किटो के कारण वेस्ट हो जाता है वी कुड थिंक ऐसा कनेक्टिविटी भी एक या दो लाइन पे हम एड्रेस कर सकते थे थिंक देन विश्वजीत विश्वजीत के आंसर भी बड़े अच्छे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड डेटा उसकी हिस्ट्री फर्टैलिटी फिर इंडिकेटर्स ये सारे इंडिकेटर हैं लिस्ट ऑफ सर्वेस बताया फिर फैमिली रिलेटेड डेटा पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा प्लानिंग क्या है फर्टिलिटी रेट अक्रॉस स्टेट्स क्या है वेरी गुड यू आर डूइंग सो वेल फिर अब ऐसे पॉइंटर्स बताए फाइव सिक्स पॉइंटर्स इम्प्लीकेशन है हंगर भी एड्रेस किया मिड डे मील भी किया गुड देन लिमिटेशंस क्या है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन के इनिशिएटिव्स क्या है पोषण अभियान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है पोषण अभियान मिड डे मील भी अभी इसमें आ गया है पोषण अभियान फिर अगेंस्ट पॉलिसी अपसी ये भी एक अच्छी अच्छा तरीका है कि आप क्रिटिकली इवेलुएट कर रहे हो कि पॉलिसीज़ अगेंस्ट मतलब कहाँ लैप्स हो रहा है क्यों प्रॉब्लम आ रहा है इससे रिलेटेड गुड बट जब भी ऐसा क्रिटिसिज्म करें ना तो ओवरऑल क्रिटिसिज्म में भी हमें एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है कि ये करेक्ट हो सकता है आउटराइट क्रिटिसिज्म नहीं करना है यूजुअली। इज व्हाट शुड बी डन गुड आंगनवाड़ी एंड ऑल वेरी गुड तपन इज डूइंग रियली वेल प्रिपेयर अ नोट ऑन एन एफ एच एस फाइव इंडिकेटर्स अबाउट दिस कॉपी जो है ना उसका स्पेसिंग एंड ऑल इज रियली गुड एन के बारे में बताया आपने डेटा फैक्ट किया और सी हेडिंग्स वगैरह ना बड़ा फ्लो में फ्लो आता है आंसर में ऑर्गेनाइज लगता है ब्रेकेज नहीं नज़र आते दिस इज़ अ गुड थिंग इसको सीखिए सब देन की फाइंडिंग्स ऑफ एन एफ एच एस फाइव क्या है डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में बताया टी एफ आर सी सेक्शन भी मैंशन किया ओबेसिटी एनीमिया फिर इम्प्रूव फर्दर कैसे कर सकते हैं गुड हाउ शुड इंडिया इम्प्रूव फर्दर तो दिस टेल्स की लाइक यू आर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो वी नो द प्रॉब्लम एवरीबडी नोज द प्रॉब्लम बट कैन यू कम अप विद सॉल्यूशन दिस मेक्स डिफरेंस देन डिसेबिलिटी क्या है डिसीज बर्डन वाले सवाल में अपसी ये भी अच्छी चीज़ है ऐसे करके आपने सोशल हेल्थ इकोनॉमिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन डिसेबिलिटीज क्या होती है बिकॉज ऑफ डिसीज बर्डन फैक्टर्स क्या हैं गुड देन गवर्नमेंट इनिशियटिवस आपने यहाँ पे बताया वेरी गुड सफ़र रिलेटेड बातें भी बताया बिकॉज एयर पॉल्यूशन से भी डिसीज बर्डन होता है वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉस्किटो बॉर्न डिसीजे क्विकली बताया एड इज इजिप्टी देन मेजर्स क्या हैं गवर्नमेंट इनिशियेटिव क्या हैं टेक्नोलॉजी इनिशियटिवंडरफुल दिस इज अ रियली गुड कॉपी देन विकास का आंसर है एन एफ एच एस फाइव से रिलेटेड फैक्ट्स स्टैब्लिश किए ऑब्जेक्टिव किए अब ये पॉइंटर्स बताए की फाइंडिंग्स बताया चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया है देन इन्फेंट एंड मोर्टैलिटी और स्टेट वाइज भी एक एनालिसिस किया है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ नॉर्थ में क्या एक वेरिएशन आ रहा है बिहार इंड दिस गुड दिस इज अगेन अ गुड आंसर इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना है बिकॉज एन एफ एच एस फाइव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एकता बड़े अच्छे आंसर्स लिखती है पैरामीटर्स पॉलिसीज हैं एन एफ एच एस फाइव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा एस्टेब्लिश किया फंडिंग्स बताया एस डी जी बी लिंक किया गुड इन्फेंट चाइल्ड मोर्टैलिटी रिलेटेड ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं की फाइंडिंग्स हैं ये एक दो तीन चार पाँच की फाइंडिंग्स हैं एन एफ एच एस फाइव तो सी आप देखो इवेल्युएट कैसे किया जाता है आपका आंसर जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसको भी कितनी सारी कॉपी देखनी है तो वो क्या चीज़ अप्रिशिएट करेगा कि सीधे सीधे बता दो जो पूछा गया है ये ये चीजें हैं आप जितना काम उसका आसान करोगे ना वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है तो ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लीन जो अच्छी बात है उसको हाईलाइट करो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपका स्पेशल पॉइंट है कोई आपका तो उसको सबसे पहले लिख के हाईलाइट कर दो तो उससे एक टोन बन जाएगा आपके आंसर का अब लेखिका का आंसर भी बहुत अच्छा है तो दिस इज़ गुड एक ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा अच्छा अच्छा है शी इज डूइंग रियली गुड लेखिका का आंसर भी बहुत अच्छा है डिसीज बर्डन है फिर एयर वैक्टर कोविड नाइन्टीन अब कोविड नाइन्टीन का लिंकेजेस है गुड फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल डिसीज बर्डन के वेरी गुड फिर मॉस्किटो पे आए मॉस्किटो से रिलेटेड बात किया अभी जो मॉस्किटो है ना हर एग्जाम में मॉस्किटो रिलेटेड सवाल आने आना चाहिए दिस इज सो इम्पॉर्टेंट मॉस्किटो डिसीजेस देन अब आपने अकॉर्डिंग टू दिस एन गाइडलाइन भी बताया दिस इज़ गुड आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसका रेफरेंस लिया गुड फिर हेल्थ इज एट टल सोशल वेलबिंग होना चाहिए वेरी गुड तो हम ना ऐसा एक मैसेजिंग भी दे सकते हैं मैसेजिंग देने से क्या होता है आपकी एक साइकोलॉजी थॉट प्रोसेस पता चलती है तो दिस इज गुड शुभम ये थर्ड फोर्थ क्यों पहले आ गया पहले ये आएगा वट यू अंडरस्टैंड बाई डिस बर्डन गुड डब्ल्यू एच ओ डिस बर्डन एस्टिमेशन कैसे होता है फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए इम्पोर्टेंस अपग्रेडेशन आंगनवाड़ी मैंशन करना बहुत जरूरी है जब भी हम विलेज और रूरल लेवल पे बात करें प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें प्रोग्राम्स क्या हैं फिर वे फॉरवर्ड क्या है गुड हमेशा नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करना है ओके okay? हम जैसे इसको नए नय, पेज से कर सकते थे तो ऑलवेज ट्राई और थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि बाद में आपको कुछ नई चीज़ ऐड करना ना तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो एन एफ हुआ गुड हम ये एक्सरसाइज इसलिए भी कर रहे हैं ना इससे आप खुद भी अगर थोड़ा इनपुट डालोगे ना आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी सो दिस इज अ रियली गुड पार्टिसिपेट इन दिस आंसर्स लिखने और सब बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना है अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो डाइवर्सिटी इज गुड एंड बी कॉन्फिडेंट यू आर डूइंग गुड अब ये वर्षा का आंसर है अब सी वर्षा का देखो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है आज का कॉपी भी बहुत अच्छी है सी कितने अच्छे से पूरा बताया केंद्रीय दिस डॉक्टर मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे अगेन गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फिर इसके सारे पॉइंटर्स बताए डोमेस्टिक हिंसा भी यहाँ पे बताया फिर इंडिया के स्टेट वाइज कंपैरिजन किया जनसंख्या रिलेटेड बात किया और ऐसे आपने एक चार्ट भी बनाने किया किया वेरी गुड अब यहाँ हम ना थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वरना रियल एग्जाम में पता है इसमें बहुत टाइम लगेगा आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन कर सकते हैं थिंक कैसे होगा देन कंपैरिजन है स्वास्थ्य पोषण है इंफ्रा है और जेंडर है गुड तो ये भी बड़ा अच्छा आंसर है यहाँ इम्प्लीकेशन पे हम थोड़ा और निहितार्थों पे और डिटेल में चर्चा कर सकते थे आप एक और काम करो आई डू अंडरस्टैंड कि हिंदी का मटेरियल इतना ईजिली अवेलेबल होता नहीं है बट अगर कोई अच्छा आर्टिकल मिल रहा है रिपोर्ट मिल रही है ना आप उसको गूगल ट्रांसलेट से अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो आजकल अच्छा हो गया है ट्रांसलेशन गलतियाँ होती है ट्रांसलेशन पे पर बहुत कम है आपका काम चल जाएगा तो जो भी अच्छा आर्टिकल है ना उसको गूगल ट्रांसलेट में जाके आप उसको हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको उसको थिंक देन आलिया आलिया बहुत अच्छा आंसर लिख रही है आज का कॉपी देखो कितना अच्छा है दिस इज़ एन एच एफ एस एन एफ एच एस के बारे में लिखा प्रीवियस रिपोर्ट्स लिखा हाईलाइट्स लिखा अब सी एक राइटिंग में भी ना बड़ा अब स्मूथनेस आ रही है तो दिस इज गुड ये और प्रैक्टिस करना है फिर आप देखना नेचुरली आप रियल एग्जाम में अंडर प्रेशर भी इस लेवल की कॉपी प्रोड्यूस कर पाओगे और वो हमारा गोल है इश्यूज एसोसिएटेड इम्प्लीकेशन कॉन्क्लूजन वेरी गुड ये बड़ा अच्छा आंसर है वेल well डन देन सौरभ भी बड़ा अच्छा आंसर लिख रहा है इंट्रोडक्शन किया एन एफ एच एस फाइव इसके इंडिकेटर्स बताए जब भी हम डॉट लगाने के बजाय ना मेक इट अ हैबिट नंबर लिखना है बिकॉज नंबर क्वान्टिफाइड होते हैं अब आपने इतने पॉइंट्स लिखे वही अगर देखते कि पंद्रह पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे तो एक अलग इंप्रेशन होता तो ऑलवेज कोशिश करो नंबर लिख दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर ऑब्जेक्टिव्स बताए आपने एन एफ एच एस फाइव की फाइंडिंग है रेशो देन मोर्टैलिटीज इम्प्लीकेशन अपसी हैडिंग सब हैडिंग गुड लाइन्स ना सीधा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं ऐसे दिस टिल्ट नहीं होना चाहिए कॉन्क्लूजन इज अगेन रियली गुड वेल डन अदिति अगेन एक्सलेंट कॉपी डिसीज बर्डन बताया फिर उससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन बताया फिर अगेन आप नंबर लिखो वन टू थ्री फोर दिस प्रायोरिटाइजिंग एक्शन मॉस्किटो बोर्न डिसीजेज कॉमन टाइप्स प्रिवेंशन कहाँ पे होगा यू आर गुड वेरी गुड देन यहाँ पे डिसीज बर्डन का इम्पैक्ट इन इंडिया अब सी हमने इसको टेलर मेड किया इंडिया के रेस्पॉन्स इंडिया के कॉन्टेक्ट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो हम कई बार वर्ल्ड लेवल इवेंट्स को इंडिया स्पेसिफिक करके बताए ना तो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है इंडिया में स्पेसिफिकली फिर चैलेंजेस ओवरऑल क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव वे फॉरवर्ड वेल डन दिस इज अगेन गुड एन एफ एच एस फाइव मेजर ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को हम सेपरेट करते हैं वरना बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है विल डू समथिंग देन अदिति का आंसर में इसमें बताया दिस पॉइंटर्स हैं सर्वे एन एफ एच एस फाइव फिर ये आया इम्प्लीकेशन अपसी नॉट रिलायबल डेटा ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि डेटा इनकरेक्ट है देन वॉट पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल गुड और एक वे फॉरवर्ड है वेल डन इज अगेन एक्सलेंट बड़े अच्छे आंसर्स हैं डिस बर्डन क्या होता है डिफाइन इट डिस बर्डन से डेफिनेशन एंड टेक्निकल डेफिनेशन भी बता दिया वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेजर डिसीज बर्डन क्यों जरूरी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गुड बड़ी हैडिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सी डी कर दें फिर उसके अंदर वन टू थ्री फोर कर दें हेडिंग सब हैडिंग वी कैन डू फिर अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी वेल डन गवर्नमेंट इनिशियेटिव है मॉस्किटो रिलेटेड है और मेजर्स रेजिस्ट बोर्ड वेरी गुड गवर्नमेंट इनिशियटिव मॉस्किटो अपी मैं उसको ढूंढ रहा था दस हफ्ते दस बजे दस मिनट नहीं तो भी ये आठ दस बार हमने पढ़ा है पेपर में अब इसका यहाँ रि रिप्रोडक्शन भी हुआ ये यहाँ पे प्रेजेंट किया गया वेल well डन दस हफ्ते दस बजे दस मिनट देन कॉन्क्लूजन वेरी गुड एन एफ एच एस फाइव का रिपोर्ट है सर्वे देन मिनिस्ट्री कौन रिलीज करता है रेगुलर डेटा है एन एफ एच एस ऑब्जेक्टिव क्या है दिस इज टेबुलेशन भी है इंस्टीट्यूशनल बर्थ को भी टारगेट किया है स्टंटिंग वेस्टिंग अंडरवेट भी है एनिमिया सेक्स रेशो सी सेक्शन एंड फाइव रिपोर्ट गुड दैन हाउ टू इम्प्रूव फर्दर अब ये एक सोल्यूशन बता दिया ये सारे सोल्यूशन है पाँच छः सोल्यूशन है और एक कॉन्क्लूजन है वेल well डन ये डेटा लेखिका का आंसर है एन एफ एच एस फाइव दिस की आउटकम्स क्या हुए रिपोर्ट के इम्प्लीकेशन आए वे फॉर्वर्ड गुड डेटा क्या इसमें कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड चीजें नहीं है नहीं डेटा ऑल्सो शोड दिस सो दिस इज गुड अपने क्लीन इस यहाँ पे फाइन डिटेल्स भी बताए वे फॉरवर्ड है दिस एंड दिस तो हमें इम्प्लीकेशंस भी बताने थे इसके इम्प्लीकेशंस और इस रिपोर्ट का एक जनरल हमें डेटा भी प्रिपेयर करना था ओके सो दिस इज गुड दीपक ने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ डिसीज क्या है वेल डन डिसीज बर्डन का इम्पैक्ट पॉलिटिकल दिस इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फिर मलेरिया रिलेटेड सोशल इनिक्विटी आती है मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज़ क्या हैं कैरियर्स क्या होते हैं बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट फंचाई जीका वायरस रिलेटेड बात है येलो फीवर है अब इसको हम थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं एलैबोरेट कर सकते हैं जैसे डिसीज़ बर्डन और मॉस्किटो मॉस्किटोबॉर्न डिसीज़ का डिसीज़ बर्डन इन कॉन्टेक्सट ऑफ इंडिया बिकॉज यू नो हमें इन दी एंड जो हमारा जो वर्क होगा वो इंडिया में होगा तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए जैसे कोविड नाइन्टीन भी है ग्लोबल फिनोमिन है बट उसको लिंक करो इंडिया टेलर मेड करो हमारी यूनिक पोजिशन से लिंक करो ओके सो दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर समथिंग एवरी डे राइट समथिंग एवरी डे आपका राइटिंग भी बेटर होगा स्पीड भी आएगा जल्दी जल्दी सोचना आएगा लिखना आएगा यही चीज़ें एक्चुअल में काम आती है रियल एग्जाम में देन दिस इज मुजम्मिल बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं अब आज देखो राइटिंग कितनी साफ साफ नजर आ रही है पहले की कॉपी और आज की कॉपी देखो दिस इज इम्प्रूवमेंट यही तो काम करना है दिस इज वेरी ईजी एज वेल द डिफिकल्टी इज कि आप कलम उठा के लिखो नेशनल फैमिली फैमिली हेल्थ सर्वे रिलेटेड बात लिखा फिर ये डेटा लिखा अब जितना आप पढ़ोगे ना तो आपका डेटा भी उतना कंटेंट भी उतना ही रिच होता जाएगा इट्स नॉट अ बिग डील देन ले दिस लेटेस्ट डेटा बताया हेल्थ न्यूट्रिशन ओके दिस इज गुड ओबेसिटी के बाद भी इसको भी टच किया है ओबेसिटी इज राइजिंग बोथ मैन एंड वुमेन गुड लाइफ स्टाइल डिसीजेस देन स्टेट वाइज डेटा है वे फॉरवर्ड है इंस्टीट्यूशनल गुड दो लाइन कंक्लूजन की आखिर में लिखना है एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए शीतल का ये दूसरा आंसर है एन एफ एच एस फाइव का डेटा लिखा नॉमिनल रिलीज डेट एंड दिस देन मोर्टैलिटी रेट बार चार्ट ना अगर स्ट्रेट बनाए ना तो ज्यादा बेटर है शाइमा इज अगेन रियली गुड एरियाज जो फोकस रहे हैं वो ये सारे एरियाज हैं गुड हमको सेपरेट ही करना पड़ेगा कल से मैं देखता हूँ सेपरेट वीडियो बनाता हूँ इस आंसर राइटिंग का ओके पॉजिटिव रिमार्क्स ऑफ दिस टी एफ आर एक्स रे शो एंड इंटरनेट बहुत अच्छा लिख रहे हो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी मैंशन किया है फ्लैगशिप स्कीम इम्यूनाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस भी मैंशन किया है फोर्टिफिकेशन नेगेटिव तो सी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे अब एक हेडर्स में आने लग गया है हम सेग्रीगेट करने लग गए हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं और यही रिक्वायर्ड है जब ऐसे बनाओ ना तो इनका सोर्स एक ही जगह रखो तो ये और अच्छा दिखेगा लाइक वन पॉइंट से ये सारे लाइंस जनरेट हो रही है कॉन्क्लूजन इज गुड सुरक्षित इज अगेन रियली गुड बड़े अच्छे आंसर्स हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इससे रिलेटेड नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री से हुआ डिफरेंट कीवर्ड्स पहले ही बता दिए ये सारे कीवर्ड्स वर्ड्स हैं यहाँ पे रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ क्या फाइंडिंग्स हैं दिस फर्टिलिटी रिलेटेड डेटा है देन देन आप स्कैन ना स्कैनर यूज करो तो ये रीडेबल आपकी कॉपी ज़्यादा होगी फिर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन है और इंडिया माइट बी फूड सिक्योर अवेलेबिलिटी एंड दिस एक कॉन्क्लूजन दो लाइन लिखिए सो दिस इज़ अगेन गुड सो ये कल के आंसर्स हैं वेरी गुड आई एम सो हैप्पी आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बस अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है मोमेंटम बने रहना चाहिए डिसिप्लिन बने रहना चाहिए और आप देखना बहुत अच्छी पोजिशन पर रहोगे ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी भी बहुत इंप्रूव होगा गुड ट्राई टू आंसर दिस लीडरशिप ऑल राइट नाउ लेट अस क्विकली कम बैक टू रेगुलर डिस्कशन और ये है जजेस शुड मेंटेन डिस्क्रिपन सी डिस्क्रिप्शन होना क्यों जरूरी है अक्सर हम देखते हैं ना एक नरोना साहब की एक किताब भी है उसका मैं बताता हूँ आपको लिंक उसमें भी ये लिखा है जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं उनको ना एक सर्टेन डिस्क्रिशन रखना पड़ता है और एक सर्टेन डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है जैसे जजेस वगैरह ये बहुत ज़्यादा सोशल पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं होते बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा दिस एक्टिव हो जाएंगे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो डिस्क्रिशन बेस्ड डिसीज़न नहीं दे पाएंगे तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि ये थोड़ा थोड़ा सेक्लूजन रखते हैं ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि जो डिस्क्रिशन है जो विजडम है वो यहाँ पे इनकी इंटैक्ट रहे प्रेसिडेंट ने कहा ही इज हैप्पी इंडियन जुडिशरी हैज़ बीन एडहेरिंग टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस में बोला जज वर व इमेजन एज मॉडल ऑफ रैक्टिट्यूड सी मॉडल ऑफ रैक्टिट्यूड एंड डिटैचमेंट टीचर भी अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट स्टूडेंट से रखता है ना तो वो फिर उसकी गलतियाँ नहीं देख पाता सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिग्री ऑफ लाइक कि आप अपना ड्यूटी ढंग से कर पाओ इमेजंड एज अ मॉडल ऑफ रैक्टिट्यूड एंड डिटैचमेंट तो दिस इज अबाउट दिस अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम जुडिशरी में भी यही जरूरी होता है कंट्री हैड अ रिच हिस्ट्री ऑफ दिस लीज़न ऑफ सच जजेज जिन्होंने बहुत सेगेसिटी के साथ अपना वर्क किया है डिलीवर किया है और वो हॉलमार्क है फॉर द फ्यूचर जनरेशन तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग सेकेंड कोर्ट्स आर नॉट रिप्रजेंटेटिव बॉडी कोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है एक बार जो मंत्री लोग हैं ये पॉपुलर प्रेशर में नीचे दब सकते हैं बट कोर्ट को हमेशा सही है वो सही है करेक्ट चीज बताना होता है दे आर नॉट डिजाइन टू बी ए गुड रिफ्लेक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एसेंशियल क्वालिटी है डिटैचमेंट फाउंडेड ऑन इंडिपेंडेंस तो यही रीजन है कि हम जुडिशरी को इतना इंडिपेंडेंट क्यों रख पाते हैं जुडिशरी में हम देखते हैं ना आंखों में पट्टी बांधी है वो इसलिए बांधी है कि जुडिशरी भेदभाव नहीं करेगा जो सच है जो लॉ है वो लॉ को अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा दिस इज द वे फॉरवर्ड जस्टिस जो है वो क्रिटिकल फलक्रम अराउंड है डेमोक्रेसी रिवॉल्व करती है एंड इट फर्दर स्ट्रेंथन इफ थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जुडिश्री लेजिस्टिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में एक हारमोनियस एग्जिस्टेंस हो हारमोनियस एग्जिस्टेंस नोट डाउन दिस लैंग्वेज ये तीनों पैराग्राफ बड़े इम्पोर्टेंट है इट डाउन इंडिया यूके एफ टी ए टी डिले टू जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यू से बात है यू कैबिनेट चेंज अमंग की रीजन फॉर माओस्ट मूवमेंट ऑन इट्स लास्ट लेग ये माओस्ट नक्सलिज्म टेररिज्म इन सब के दिन बढ़ गए इनका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है बिकॉज ये जो पॉलिसी है वही फ्लॉड है आइडियोलॉजी इज़ फ्लॉड मेन स्ट्रीम आई ये गवर्नमेंट आपकी है गवर्नमेंट में यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट यू कैन बिकम अ मिनिस्टर दिस इज योर गवर्नमेंट सच टाइप ऑफ मूवमेंट का कोई प्लेस डेमोक्रेसी में नहीं है वन इंड टू डिलीवरीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स थ्रू सी सेक्शन तो एन डेटा ने बताया कि एक इरेगुलरिटी भी हाईलाइट किया है यहाँ पे आगे देखते हैं तो दिस इज़ अबाउट डिस्क्रिप्शन दूसरा था यू के एफ टी ए ट्रेड अग्रीमेंट माओस्ट मूवमेंट ऑन इट्स लास्ट लेग है के विजय कुमार साहब ने कहा देन दिस इज मुंबई टू क्वारंटीन साउथ अफ्रीकन फ्लायर्स और ये न्यूज़ है वन इन टू डिलीवरीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स थ्रू सी सेक्शन अब इस पर दो पहलू है पहला पहलू तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है अब उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि सी सेक्शन ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है तो इससे क्या होता है जो मदर है उसका मदर एंड चाइल्ड एट टाइम्स उसका सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो मैनी टाइम्स पीपल गो फॉर दिस दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको ज़्यादा इंक्रेज कर रहा है बिकॉज अगर सी सेक्शन है तो ज़्यादा बड़ा बिल आएगा हॉस्पिटल का तो कहीं ये तो रीज़न नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फोर्स करने लग जाता है और एक और यहाँ पे ये बताया है कि डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं जैसे आजकल जो लाइफ है इंक्रीज हुआ है इन विट्रियो फर्टिलिटी सेडेंटरी लाइफ ऑफ मदर है सेडेंटरी लाइफ है वो फिजिकली एक्टिव नहीं है एक्सरसाइज नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा तो ये भी एक रीज़न है कि सी सेक्शन डिलीवरी ज़्यादा हो रही है हॉस्पिटल थ्रू सी सेक्शन तो दिस इज द दैन दिस इज टू कार्गो वेसल्स कोलाइट गल्फ ऑफ कच्छ में सी डी एस ओ इंफ्रा अपग्रेड टू बी पैंडमिक रेडी अब पैंडमिक का लेसन यही है कि नेक्स्ट पैंडमिक के लिए हम प्रिपेर रहें इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल अपग्रेड करें लेप्रोसी फ्री ओडिशा की बात है बट केसेस बढ़ रहे हैं दिस इज अज ऑफ वरी इंडिया साउथ अफ्रीका भी ट्रिप्स वेवर की बात कर रहे हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स डब्ल्यू टी ओ ट्रिप्स जैसे अभी वैक्सीन के लिए भी इंडिया साउथ अफ्रीका ने यही कहा था कि जो फाइड फाइजर है मॉडर्ना है ये क्या करे ट्रिप्स का वेवर दे ताकि मास स्केल प्रोडक्शन हो पाए वैक्सीनेशन का देर वॉज अ टाइम जब सीवियर शॉर्टेज थी वैक्सीनेशन की और ये टेक्नोलॉजी वेवर भी नहीं दे रहे थे रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया था द पॉइंट इज़ कि जब हेल्थ केयर जैसी इमरजेंसी हो रही है तब डब्ल्यू को स्टेप इन करना चाहिए उस केस में ये सब चीजों हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे दीज लॉज तो दिस इज ओडिशा वेरिएंट का अभी थ्रेड बना हुआ है चाइनीज आर्मी ताइवान स्टेट में मसल्स फ्लैक्स कर रही है जापान एक टाइम पे बहुत बड़ा इम्पीरियलिस्ट पावर रहा है वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान डिफेंस में नहीं स्ट्रॉन्ग रहा बट अब फिर से ये डिफेंस को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है मिलिट्री बिल्ड करना चाहता है बिकॉज चेंजिंग सरकमस्टेंसेज यूएस का विड्रॉवल है और चाइना एक थ्रेट है जापान के लिए भी देन जाफना विलेज है साउथ ऑफ दिस श्रीलंका के टॉप में जाफना तमिल पॉपुलेशन है यहाँ पे म्यांमार चाइना क्रॉसिंग राइट पुलिस डिप्लॉयड वॉयेंट स्टर इन ईरान अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जो है वो है अवॉइड एलियंस एलियंस होते हैं ऑब्वियसली होंगे अर्थ इज जस्ट वन प्लानट ऐसे मिलियंस प्लानट्स हैं मिलियंस स्टार्स हैं मिलियंस गैलेक्सीज हैं तो ऑब्वियसली एलियंस होने चाहिए अवॉइड एलियंस अब ह्यूमन्स जहाँ जाते हैं वहाँ पैथोजेंस और ह्यूमन प्रजेंस स्प्रेड होते हैं बट वो ऑर्गेनिज्म क्या दिस सर्वाइव कर पाएंगे स्पेस पे इस बात पर सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो सेक्शन होता है यूजली इसमें लैब और जर्नल से रिलेटेड बात भी होती है उनका इतना एक्सेप्टेंस या फिर इतना यूटिलिटी एट टाइम्स कम होता है रियल दिस एग्जाम सीनेरियो में ये लिविंग वॉल्स है एक टया इन्होंने दिस यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया कि दीवार के साथ साथ उसमें ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे यहाँ भी अक्सर देखते हैं पीपल का पेड़ ऐसे निकल आता है तो लिविंग वॉल्स हैं तो ये फाइंड किया कि ये इको फ्रेंडली है ये एक बी है जो मीट ईटिंग है ऐसे मीट ईटिंग बी बन गई है जो मीट ईटिंग करती है वल्चर भी इसका नाम रखा गया बैक्टीरियाज वल्चर हाइनाज वगैरह में फीडर है दिस इज मीट ईटिंग बी अब जो वल्चर्स होते हैं ना ये भी इकोलॉजिकल सर्विस करते हैं दे आर लाइक स्केवेंजर्स हैं ये क्लीन करते हैं हमारे इकोसिस्टम को अब ये कुछ गैलेक्सीज हैं जो अभी भी हिडन है इनको फ्यूचर में हम देखते हैं पता लगेगा देन वी विल टॉक देन कोवैक्सिन इलिसिड इम्यून मेमोरी टू वायरस स्टडी फाइनस अब इसमें भी अननेसेसरी डिवेल्प नहीं करना है देर वॉज अ टाइम हर दिन कोवैक्सिन पे डिबेट हो रही थी सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम ये सारे इसके फिगर्स डेटा वगैरह करेक्ट थे इट्स अ गुड वैक्सीनेशन इवोल्यूशन ऑफ इम्यून मैकेनिज्म के अनशेप जेनेटिक रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस तो इम्यून मैकेनिज्म भी जेनेटिक है या नहीं है मेंटल इलनेस से रिलेटेड बायोलॉजिकल दिस यहाँ पे एक स्टडी है अब घोड़ा था या नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन एशियन इंडिया में ये प्रिलिम्स का भी सवाल है बहुत डिबेट हुआ था उस टाइम पर भी यू पी एस सी ने कहा था आई वी सी ने डोमेस्टिकेशन नहीं किया था घोड़े का हॉर्स जो था वो डोमेस्टिकेट नहीं था दिस इज़ यू पी एस सी तो हम इसी को मानेंगे इसीलिए भी आए एम्फेसाइज कि हम जो सोर्सेज हैं ना वो स्टैंडर्ड सोर्सेज देखें और जो एन में लिखा है बिकॉज ऑफिशियल जो होता है ना वो सरकारी काम फिर इसी को मानता है तो अकॉर्डिंग टू यू नो हॉर्स डोमेस्टिकेटेड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन टफ क्वेश्चन अब ई क्राइटेरिया अब ई क्राइटेरिया में क्या बात है कि ये क्राइटेरिया में अपने इकोनॉमिक आठ लाख का फिगर कैसे आए इस बात पे कोर्ट सवाल पूछ रहा है इसका रिवीजन करें तो 10 प्रतिशत रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 103 एंड से जनवरी 2019 में इसमें क्लॉज सिक्स आया आर्टिकल 15 एम्पावर किया गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्पेशल प्रोविजन फॉर द ई डब्ल्यू एस अमंग सिटीजन्स एक्सेप्ट क्लासेज दैट ऑलरेडी एंजॉय रिजर्वेशन अब एक्चुअली बात यह है रिजर्वेशन की जरूरी है बिकॉज सोसाइटी में इनइक्वालिटी है बैकवर्डनेस है बैकवर्डनेस सोशल हो सकती है एजुकेशन बेस्ड हो सकती है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हो सकती है कई बार आप देखो जैसे आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है बट उसकी जेन्यन हार्डशिप्स है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड और इसीलिए ई का यहाँ पे मैकेनिज्म है बिकॉज इकोनॉमिक हार्डशिप भी एक हार्डशिप होती है तो ई डब्ल्यू एस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिस इज़ अ गुड स्टेप इट अलाउज़ रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पब्लिक प्राइवेट में जो एडिड अनएडेड है एक्सक्लूडिंग दोज रन बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये फैक्ट्स हैं ये सारी जगह रिजर्वेशन मिलेगा दस प्रतिशत तक का मिलेगा आर्टिकल सोलह जो है राइट टू इक्वालिटी उसमें क्लॉज सिक्स है फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन तो ई डब्ल्यू एस इज़ वेल विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन तो ई डब्ल्यू एस से ऐसे रिजर्वेशन मिलेगा बात ये नहीं आती कि रिजर्वेशन देना है नहीं देना है बात ये आती है कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई करो और उधर तक करेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड कराओ तो एक बात और ये भी आती है जैसे ई डब्ल्यू एस कोटा आया तो ओपन सीट तो पचास प्रतिशत से भी कम हो गई तो जो जनरल कैंडिडेट है इनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या कम हो जाएंगी इस बात पे भी डिबेट एंड डिस्कशन है तो ये जो पूरा ई का क्राइटेरिया है ना अभी ये ऑनरेबल कोर्ट के पास है विजडम ऑफ ऑनरेबल कोर्ट को हम फॉलो करेंगे और आगे इसमें देखते हैं क्या डिसीजन होते हैं अदरवाइज ये बड़ा सेंसिटिव एंड पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है लेट अस सी कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है वॉट वी शुड बी नोइंग इज वी शुड बी नोइंग अबाउट द फैक्ट्स जो हमने इन तीन पैराग्राफ में देखा अब एम जो है क्या ये लीगल गारंटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अब आप नौ सितम्बर का वीडियो देखो वहाँ के हमने पी भी देखा था एम एस पी राबी क्रॉप एम एस पी कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर बाइंडिंग है या नहीं है तेईस क्रॉप कौन सी है कैसे डिसाइड किया जाता है ये सब बड़े डिटेल में देखा हैव लुक रिवाइज फिर हमने ये भी देखा है एम एस पी का नंबर कैसे आएगा ए टू क्या है सी टू क्या है ओके okay. और इस पर आपने आंसर भी प्रिपेयर किया था क्विकली अगर हम देखें तो एम एस पी मतलब अगर इससे ज़्यादा आपको फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है तो सरकार एटलीस्ट इतना पैसा तो दे ही देगी जैसे सौ रुपये किलो में तो हम खरीद ही लेंगे अगर इतना आपका बिकाई नहीं हो रही तो एक इंश्योरेंस हो गया एक सेफ गार्ड हो गया तो एम कभी भी लीगल नहीं रहा है इंडिया की हिस्ट्री में एम हमेशा से एक पॉलिसी रहा है फार्मर्स अब ये बोल रहे हैं एम एस को लीगलाइज करें बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं सी इकोनॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि प्राइस लेवल दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई कैन नॉट बी सस्टेन थ्रू लीगल मींस आप लीगलाइज करोगे ना तो उसमें दिस इज नॉट साउंड इकोनॉमिक्स वैसे भी इकोनॉमिक्स अगर प्योर इकोनॉमी की बात करें तो सब्सिडी वेलफेयर इससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं हिट होती है तो इकोनॉमिक थ्योरी तो ये बताती है देन शांता कुमार कमेटी आई थी वो बोलती थी केवल छः प्रतिशत फार्म हाउस हैं जिन्होंने एम रेट्स में अपना सेल किया तो ये ये भी बताती है कि एम का इतना यूटिलिटी है भी या नहीं है फॉर्मूला ये होता है एम का एक तो सी होता है लाइक फार्म यूनियन सी की बात कर रही है ए टू ये होता है कि फार्मर ने जो भी फसल खरीदी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड फ्यूल इरिगेशन, मतलब जो भी खर्चा आया फसल लगाने पे, उसका वन एंड हाफ़ टाइम्स आप एम एस पी दो ने सौ रुपए खर्चा आया तो कम से कम डेढ़ सौ रुपये में वो सामान बिकना चाहिए और इस डेढ़ सौ रुपए की गारंटी सरकार दे दिस इज दिस इज़ द पैटर्न जो अभी तक हुआ है फार्म यूनियंस बोलती है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कैलकुलेशन हो आप एक सी टू करके नया नंबर लाओ जिसमें कैपिटल एसेट्स भी हो रेंटल भी हो इंटरेस्ट फॉर गॉन भी हो और रिकमेंडेड बाय नेशनल कमीशन फॉर फार्म फार्मर्स जो है ये इसकी डिमांड भी कर रहे हैं मतलब एम बहुत एलैबोरेट हो और एक लीगलाइज मैकेनिज्म बने दिस इज द डिमांड अब अगेन ये किस डायरेक्शन में जाएगा वी डोंट नो लेट us वेट एंड वॉच हमें बस ये करना है कि आप 9 सितंबर का PDF खोलो और ये जो दो है पैराग्राफ्स इनको एक बार फिर से आप देख लो और आपने जो आंसर लिखा था उसको भी रिवाइज कर लो एमएसपी अब बात है डेटा प्राइवेसी बिल का आई थिंक ये टेलीग्राम पे डेटा इसका बिल नहीं मिल रहा है मैं इसको एक बार फिर से शेयर करता हूँ अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल इसमें दो ही प्रॉब्लम है जो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री दिस कमेटी ने जे ने बोला सेक्शन थर्टी फाइव अभी भी बना हुआ है मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि पब्लिक ऑर्डर सोवर्निटी फ्रेंडली रिलेशन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है तो गवर्नमेंट आपके डेटा पे इंटरवीन करेगी पर्सनल एंड प्राइवेट पर्सनल एंड पब्लिक डेटा बोथ ये सेक्शन थर्टी फाइव है मतलब इम्यूनिटी मिल गई है आपके डेटा प्राइवेसी के लॉज को ओवर करने की दिस इज वन चैलेंज सेक्शन ट्वेल्व इज ऑल्सो वन चैलेंज कि आपका डेटा बिना आपकी कंसेंट के भी यूज किया जा सकता है सेक्शन थर्टी फाइव सेक्शन ट्वेल्व ये दो प्रॉब्लम है इंटरमीडियरी क्या होता है जैसे ट्विटर इज एन इंटरमीडियरी ट्विटर ने बस एक प्लेटफॉर्म दे दिया अब यहां जो पोस्ट करोगे तो जिसने पोस्ट किया है उसका हेडेक है वो ट्विटर का हेडेक नहीं है तो ट्विटर को सेफ हार्बर मिला तो दिस इज इंटरमीडियरी फिर नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो गूगल मैप का कोई डेटा है तो उससे रिलेटेड जोग्राफिकल पॉइंटर्स कलेक्ट किए ये नॉन नॉन पर्सनल है तो गवर्नमेंट नॉन पर्सनल डेटा भी यूज़ करती है जैसे ट्रैफिक रिलेटेड कोई मैनेजमेंट करना है ड्रोन्स या फिर कहीं स्टैंपेड जैसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है तो दिस इज़ नॉन पर्सनल डेटा तो द पॉइंट इज यहाँ पे पर्सनल एंड नॉन पर्सनल में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे हैं ये भी एक कॉज ऑफ वरी है बिकॉज दोनों अलग होता है पर्सनल डेटा मतलब लाइक योर योर एजुकेशन दिस इनकम जो पर्सनली आपसे अटैच्ड है और एक पब्लिक डेटा होता है जो आप पब्लिक प्लेसेस में अपना डेटा शेयर कर रहे हो सी वगैरह में आ रहा है लाइक दैट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं बी के श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट याद रखना है और पुट्टा स्वामी वर्डिक में हमने बोला था ना सर्विलेंस हो सकता है बट कंडीशंस अप्लाइड इन चीज़ों को ध्यान रखना है तो हैव अ लुक इसको भी मैं फिर से रिवाइज सेंड uh, करूंगा प्राइवेसी रिलेटेड डेटा प्रोटेक्शन अब ये भी अभी बिल विल पास हुआ नहीं है वेट इसमें अभी बड़े चेंजेस आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है बिकॉज ये चेंज हो जाएगा फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा तो डेटा प्रोटेक्शन बिल यूएस रिजॉल्व करना चाहता है टेरिफ एंड वीजा इशूज को सोशलिस्ट लिबरल जर्मनी में अभी पॉलिटिकल कंसेंस नहीं है मणिपुर रिटर्न ऑफ मिलीटेंट है दिस इज डबल फॉल पैंग शूआई टेनिस प्लेयर ऑफ चाइना चाइना इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स प्रॉफिट एक्सेलरेट हुआ है पेटीएम के लॉसेज हो रहे हैं कमर्शियल डिस्प्यूट टैक्सेस फास्ट करें कमर्शियल डिस्प्यूट्स को देन साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक अबाउट क्रिएटिंग सेफ इंटरनेट व्हाट्सएप पेमेंट में आ रहा है फिनटेक और स्पोर्ट्स है और ये है बनारस के घाट बनारस के घाट में होती है देव दीपावली गंगा के घाट पे. बनारस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल बनारस ओके okay? सो दिस इज द हिंदू एंड टूडेज न्यूज पेपर आज संडे भी है जस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अबाउट लीडरशिप ऑल राइट सो दिस इज ट्वेंटी एट ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ